बर्थडे की प्रिपरेशन। मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। मैं भी बहुत ज्यादा अच्छी हूँ एंड फाइनली मेरा सारा स्ट्रेस खत्म हो गया है। और कल मैंने मेरे फ्रेंड को बुलाया कि यार मैं कैमरा से वीडियो बना रही हूँ, तो उन्होंने बोला कि आप पहले लैपटॉप में डालो, लैपटॉप से उसमें डालो, और उन्होंने मुझे एडिटिंग करना भी सिखाया है। तो शायद अब क्वालिटी अच्छी आए वीडियोज़ की, पिक्सल नहीं फटेंगे। और कल मैं ओम शांति ओम में गई थी, तो मैं भी आप लोगों को उस चीज़ के बारे में बताती हूँ। बाकी अभी 12 बज गए हैं और उठ तो मैं 10 बजे गई थी। उठते ही मम्मी को सब्जी दिला के लेके आई, दही दिला के लेके आई, क्योंकि कल मौसी का मन कर रहा था रायता खाने का और भाभी ने उसमें प्याज डाल दिया, तो मौसी प्याज लहसुन तो खाती नहीं। ऑनलाइन ब्लाउज मंगवा लिया 200 रुपए के मीशो से, 300 रुपए का कैश है और मिल गया मुझे। और वहां से साड़ी उठा के लेके आनी है मुझे, क्योंकि यार पैसे लगाने का तब फायदा है जब साड़ी 4-5 हजार की हो या 10 हजार की हो, फिर तो चलो दे दे भाई 1200-1300-1500, बट साड़ी तो वो 300-400-600 रुपए की, उनके ऊपर भी इतने पैसे कैसे दे दूं। और बाकी सर में दर्द मेरे इसलिए हो गया था कल क्योंकि मैं पूरा दिन हो गया खड़ी थी, ना कुछ खा पी पा रही थी, सिर्फ खाना बनाने में ध्यान था, और मतलब बहुत स्ट्रेस हो गया था एकदम। ऐसी चीज़ें कभी नहीं देखी। और एक लौंडा कह रहा था कि शादी कब है, अभी शादी नहीं है। मौसी के साथ ओम शांति ओम में हमारे गांव में है, तो 3 घंटे बैठी वहाँ, मेरे बैठे बैठे पिछवाड़ा मेरा सुन्न हो गया। मैं मौसी को कह रही मौसी चल चल चल, मौसी कह रही 10 बज जाए लेकिन यही बैठ जा, यही सो जा, कितनी देर चलेगा यही रहना है। तो फिर उसके बाद उसकी छोरी का फोन आया मुकेश का, मौसी बोली हेलो हेलो, सेंटर में बैठी मैं, झंडा ला रहा हूँ, फोन काट दे थोड़ी। मैंने मम्मी था बताई, मम्मी का तो पेट बैठ गया ऐसा ऐसा, और मेरा भी बोला वाह बेटे कौन से सेंटर में बैठी है मौसी। तो हर प्रकार के लोग आते हैं, बाकी ये है कि गंदी चीज़ों में इन्वॉल्व होने से अच्छा कि आप ओम शांति ओम में जा रही हो, ये चीज़ अच्छी है। और जैसे बुढ़ापे में या फिर बच्चे ब्याह दिए थ्या दिए, मतलब सबकी शादी वादी कर दी, तो टाइम पास नहीं होता तो लुगाइया क्या करती है, गले में बैठ के चुगलियाँ मारती है, फिर उसकी वजह से लड़ाइयाँ होती है, कॉन्ट्रोवर्सीज होती है, मजे आते हैं। तो उस चीज़ से बेटर है कि आप ओम शांति ओम, और बाकी मेरे ख्याल से तो यार मंदिर में जाओ, पाठ पूजा करके आओ, क्योंकि वहाँ पे वही सब बातें बताते हैं कि किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए, जिनकी बहु इज्जत करानी है तो मंदिर में जाना, जिनकी ठावांगा में मैं जाऊँ बेचारी ओम शांति ओम। तो बस यही था ओम शांति ओम का मेरा यही एक्सपीरियंस था। तो बाकी हम बागेश्वर धाम जाएंगे, वहाँ मतलब पावर है, पॉजिटिव नेगेटिव हर प्रकार की एनर्जी है वहाँ पे, तो काफ़ी शक्तिशाली मंदिर है। और मैं मतलब बहुत जगह गई हूँ, वैष्णो देवी और मतलब बहुत जगह, बट मुझे सबसे जो मतलब भगवान ने मेरा साथ दिया ना, वो खाटू श्याम जी ने दिया है। और मैं मतलब जाना चाहती हूँ, मेरा मतलब मन है कि मैं हर महीने जाऊँ। तो चलो फटाफट खाना खाते हैं और आज हम जाएंगे पानीपत, और आज मेरा कैमरा मैन आएगा, दो तीन दिन से वो वही बाहर घूम रहा है काम से रिलेटेड। तो अभी हम खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद फिर हम जाएंगे शूट करने। और ठीक है फिर मिलते हैं थोड़ी देर। आ गया है दाल के पराठे और चाय, और ये कल हम मिठाई लेके आए थे, कल ये प्रसाद मिला तो ओम शांति ओम में, और ये रिश्तेदार केले लेके आए थे, अंगूर। क्यों कर रहा यू क्लिक करया? अरे आता रिफ्रेश नू तो मना ही बेरा, लेकिन यू क्लिक तो कोनी होता, ये होया फिर वो तो होया कर टाइम। अच्छा टाइम लागे इसमें? हां वेट का साइन हुआ यू। सो गाइस अभी हमने खोला लैपटॉप, क्योंकि अभी इसमें फोटोज वीडियोस डाला करेंगे और फिर इससे फोन में, ताकि क्वालिटी ना फटे। ये क्या है जी, कोई बटन बुटन नहीं? इसका तो बहुत यूज है, कोई बटन बुटन तो नहीं होता, किस्ता ही होगा बस। आले किस्ता भी होगा है, यू हो गया नू होएगा, इस्ता भी होगा, एक सेटिंग में जाएगा भी होगा, बढ़िया आ रहा है रिफ्रेश। कितनी प्यार से चला रही हूं देखो गाइस, मैं फाइनल तो बम भेड़ दिया था नू, कर 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 करना नू है चला, फिर इसका काम भी होगा। मैंने डजंट बोन को तो मैकबुक लेने की तो कोई जरूरत नहीं, इस्ते काम चल जाएगा। लिया रखा 70-80 हजार का यू। और मैकबुक के लिए लैपटॉप करया हूं ना, ये भी ना ले जाऊंगी बड़ा कंप्यूटर सेंटर में सीख आऊंगी एक महीना, फिर एमए में एडमिशन ले लूंगा। उसके बड़ा खत्म हो गया ले, उसके उसमें पहुंच गया, और वो और का हम जोड़ना लगा। अरे खाना सब्जी रायता और ये
और ये एक फैन ने दिए मुझे। हमारा पार्सल आ गया है फोटोशूट के लिए, हमने मंगवाया ये। दिखाना क्या आया है, ये देखो। फोटो पीछे मतलब पहले ये कर्टेन था, इसमें घुलझट वगैरह दिखती थी। अब देखते हैं कि इसके लिए ट्राईपोड लेके आना पड़ेगा, 1500 तक का आएगा। ये इसकी लेंथ है ऐसे, और ये फैब्रिक है इसका, सीमलेस फोटो। अभी हम जा रहे हैं शूट पे और मैंने लुक रिक्रिएट किया साउथ इंडियन, तो चलो जा रहे खेतों में शूट करने, मिलते हैं। हमारा शूट डन हो चुका है, फोटोज भी हो गई, वीडियोज भी हो गई हैं, और अब हम जा रहे हैं घर। और मेरा एक पार्सल आया, तो चलो फटाफट। सो गाइस, मौसी का सूट सिल के आ चुका है, कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लत्ता का तल आई मेरे एक पैर में दुखता है। किसा लग गया मौसी, देख किसा लग गया, सही है ना, एकदम बढ़िया सीम दिया। हां ठीक सीम दिया ना। मैं बैठी थी धूप में और मैं कमेंट पढ़ रही थी यूट्यूब पे, तो एक लड़की का कमेंट आया कि दीदी आपकी पोस्ट पे बस इतने से लाइक, आप मेहनत क्यों नहीं करते। मेरी जितनी मेहनत भाई कोई करता भी नहीं होगा, क्योंकि पता क्या है, एक प्रोफेशनल वीडियो बनाने में और एक नुए बकचोदी करने में फ़र्क है। एक अकाउंट में मैं बकलोल करूँ हूँ और एक अकाउंट में मैं मेहनत कर रही हूँ प्रॉपर, जो करा करे बंदा, तो उसका फल मैंने अभी नहीं मिल रहा। बट हाँ, मैंने नू पता भाई, या मेरी जो मेहनत मैं कर रही हूँ या वेस्ट नहीं जाएगी आने वाले टाइम में, एक महीने बाद या दो महीने बाद ठीक होएगा अकाउंट और बहुत अच्छे लेवल पे जाऊंगी मैं। और आप जैसा काम करते हो, जैसा जनता को दिखाते हो, आपको उसी प्रकार का काम मिलता है। और रही बात की भाई वो आगे चली गई या वो पीछे रह गया, भाई जिस तरह जड़ा जाना जाओ, मेरे घर में कोई रोटी नहीं देगा जाता, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई आगे बढ़ा है तो बहुत खुशी हुआ है, और जेलस फैक्टर मेरे अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है, और ना पहला था ना अब है ना कभी होगा, क्योंकि मैं सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दे रही हूँ और मैंने खुद तक फुर्सत नहीं मिलती। मैं तो देखती भी नहीं भाई कौन के कर रहा है के नहीं कर रहा, मेरे पास इतना टाइम होता है को नहीं था। मैं कमेंट कर बताते रहो कि वह नू थी फलाना थी, इवन मैंने तो नू भी नहीं पता कि भाई जिस इवेंट में मैं जा रही थी वहाँ पर कोई लड़की भी आ रही थी जिसका आप नाम ले रहे थे, मैंने नाम मैंशन नहीं करना चाहती। तो मतलब मुझे तो पता भी नहीं था, मैं तो अपने काम में व्यस्त थी वहाँ पे भी। बाकी आप लोग ज़्यादा ध्यान दे हो, और मैं तो व्लॉग भी नए बनाया दूँ, आप लोग एक चीज़ नोटिस करो तो बहुत अच्छी बात है। और रही बात आग गवर्न की, तो मैं थोड़ी अकाउंट में दिक्कत चल रही है, वो भी मेरी बेवकूफ़ी की वजह से। आज के टाइम में भाई सिर्फ अपना सोचो, अपने बारे में देखो, किसी के बारे में कुछ ना कहो, रियल लाइफ में भी और रियल लाइफ में भी। तो जल्दी मेरा अकाउंट ठीक होएगा, मैंने कंपनी वाला तक कह रहे क्या है, और जैसे अकाउंट ठीक हो जाएगा रीच भी सब बड़े हो जाएगा, कोई चक्कर नहीं। बाकी टेंशन नहीं लिया कर दी मैं, अपना यूट्यूब तो सही चल रहा। तो मौसी का सूट सिलवा दिया, और आज मैंने मंगवाए थे मीशो पे से ब्लाउज, और वो काफ़ी ज़्यादा लूज़ है। मैं एक्चुअली सही अपनी जगह पर, मैं ज़्यादा माड़ी पतली हो रही हूँ। तो और मेरा कैमरा मैन आज गया हुआ दिल्ली, कल आया हुआ था, और बाकी मैंने अपना फोटो शूट घर पर ही कर लिया है, जैसे मैंने पहले सेटअप किया था मिरर वगैरह का। तो अब शायद बाहर जाना ना पड़े, कोशिश करूँगी घर पे ही वीडियो बनाऊँ जब तक मेरा अकाउंट सही नहीं होता तब तक। फिर जब सही हो जाएगा फिर पहाड़ों में, वृंदावन, हरिद्वार ऐसे जाएंगे। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में, अभी मैं धूप सेक लूँ। गाइस अब हम जा रहे हैं पानीपत मेरी साड़ी उठाने और दूसरे टेलर के पास, देखते हैं क्या होता है आज। एंड मैंने ब्लाउज मंगवाए थे वो काफ़ी लूज़ थे, वो लूज़ नहीं था, मुझे बीच में खांसी हो गई थी तो उसकी वजह से मैं कुपोषित सी हो गई थी। तो अब हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, बैठो नू बैठा ढूंगे मार मार रहे हैं ना, शर्म तो है ही नहीं। सभी हम पहुँच गए हैं डॉक्टर के, बताना कैसे लेनी है सवेरे शाम, दोनों मिला के सवेरे शाम खाने के बाद आए केक ले आनी, इसके तो मैं समझ गई। इब सुन लिया ले ले आप चार कलर का देख पा रही हूं, इन का ले ले लंबाई ना यहाँ पे शिव जी भगवान की फोटो देखने। बार्बी डॉल बोला यार, एक कार्तिक भी है इसमें। मखाने लेने जाना, मैंने घूमते पसंद आई।
घर आ चुके हैं और बहुत ज्यादा थक गए हैं। और ये मम्मी गमला लेके आई और एक ये के है ये कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता मिट्टिया। स्कूटी को भी देख, तेरे खातर कुछ ले आया हम खाने का, तेरे खातर कुछ ले आया हम। यहाँ ले आए, खोली ना मौसी, खोलिए। नारियल पानी ले आए, तेल तो बातचीत कर का आए, आलू के ये मखाने, ये भी 260 के हैं। कितने के हैं? 260 के होगा। ये सरसरे हैं, ये बिना सरसरे और भी मांगे। लमो मेन चीज तो लिया कड़ा है। ये है, ये सही है। लमा लियो, यो भी। दो कला ले आए। तू खास कहीं ना। मगर तेरे मोती भी खा लेगी, ले चल। ले उन डाल के। लमो सिखा का देख, ढोकला आई हूँ तो नहीं कुछ इसमें मेरा छा और बेसन का आई हूँ सिंपल है प्याज लहसुन नहीं बस मेरा छा बेसन है खा ले खा का देख बता तो मैं जी वीडियो बना होगी खा को बताना है मैं बाजार की चीज भी कम खाऊं कौन तो खा का देख बाजार की कौन ही बढ़िया घर बरगा इसमें प्याज मिर्च वो कौन ही तो वो नहीं होया करा के इडली उस पर काई हो इन्हें मंदिर में दरदरी मखाना ना प्रसाद के उसमें काम आ जाएंगे। कैसा लग गया? उसी ने कर दी साफ सफाई, गैस वगैरह सब। ढोकला पसंद है? मम्मी खा रही है, कैसा लगा मम्मा? कम तड़का मार रखे ने इसमें तो इतना एंटी तड़का लगा वो तो सही था ब्रेड सा है सॉफ्ट सा खा ले मोसी एक और So guys, पाइल कर रही है योगा और मैं लगवाऊंगी बतेरा मौसी बड़े उड़ा और गल दे बतेरा फिर बाद में ले लेंगे। हाँ। पाइल कर रही है योगा, पकड़ो इस कटोरी ना ना दर्दी मैंने उड़ा कदे खेंड जल में इतना दे दे मैं पकड़ ना मतलब भी नहीं मैं तो तेरे मौसी का पूछू थी मां तेरी जूती चप्पल यानी हो बता दिए जम वे फिर मैं तो नट गया नु बोली सा है करने पड़े मौसी क्या हाथ भी करने पड़े हाथ संतोष करते लाए यस कर ये बोली मेरा तो एक हफ्ता ना लाए बोले उसके तो हाथ करने मां संतोष ना लाए दिया इसको संतोष तो बढ़िया लगा मैं देखिए मौसी क्या हाथ तो करने पड़े पायल काम कराने मौसी काम के कुछ भी नहीं आप भी खुश रखो मैं खुश मजाक रहो भी आप भी और खुश रखो दिक्कत आप इस व्लॉग को कमेंट करते हैं मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बाय बाय।